ओके ऑल राइट, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग, चलिए आशा करते हैं सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आईडी 77। ओके क्वेश्चन आईडी 77। और उससे पहले हम आपको बता दें, हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। ओके तो चलते हैं अपनी मैकेनिज्म की ओर की देखते हैं कि किस मैकेनिज्म से होगा ये। ठीक है, तो ये क्या था, ये किसी मतलब हम देखेंगे यहाँ पर क्या था, ये कोई मोइटी है राइट। और यहाँ पर क्या दिया है, टू इक्विवेलेंट दिया था हमको MeLi राइट, मिथाइल लिथियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो टू इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो पहला जो इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं वहाँ क्या होगा, देखो पहला इक्विवेलेंट होगा वो क्या करेगा, इस वाले जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपन, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एल आई आ जाएगी, वो ले लेगा क्या, हाइड्रोजन ले लेगा, एल आई आ जाएगी। ओके अब देखो, या ठीक है, अब एक बी यू एल आई हमने यूज कर लिया राइट। अब बचता है हमारा वन इक्विवेलेंट बी यू सॉरी एम ई एल आई राइट। तो वो वन इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे क्या करा इसने, बेस की तरह काम किया। ठीक है, एक्ट एज ए बेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए। अब क्या होगा, अब वो उसका होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल की तरह वो क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा क्या, इसके पर। ठीक है, कार्बोनिल पर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है राइट। ओके तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हाइड्रोजन आपका, ओके ये सी एच थ्री है, थोड़ा हम लिखने के लिए कर रहे हैं हम ऐसे। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और देखो यहाँ पे एल आई आ गया। ठीक है, एक ये पहले से ही है, ठीक है, और एक ये आ गया। ठीक है, ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल कार्बन। ठीक है, टेट्राहेड्रल कार्बन है। और यहाँ पे क्या है कि ये मान लो इसको हम लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको क्या है, वर्कअप करेंगे, ठीक है, वर्कअप करेंगे तो हमको प्रोटॉन मिलेगा या कोई ना कोई एसिडिक सॉल्वेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्वेंट देंगे तभी क्या हो जाएगा, वो वी यू एल आई जो होगा वो हमारा हाइड्रोजन से हट जाएगा। मान लो यहाँ पे टू बन गए, ठीक है, या ऐसे समझिए आप, उसमें क्या होंगे सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में जो होगा वो हमारा होगा एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ठीक है, यानी हाइड्रोजन मिल जाएंगे तभी क्या होगा, इसके लिए ये वाला ये बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा, देखो ये देखो यहाँ पे ऐसे जाएगा देन ऐसे हो जाएगा राइट। अब देखो क्या बनता है हमारा, मैं अब इसको फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं अपन। यहाँ आपका हाइड्रोजन है ये पहले से ही, ठीक है फ्रेंड, ये CH3, ठीक है ये बन गया। ओके और देखो ये हो गया, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन इधर रिवर्स हो गया और ये CH3 ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा, ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर D। ओके ऑप्शन नंबर D, ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।